हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल, वायु व अच्छी गुणवत्ता की सॉइल, जिससे प्लांट अपना भोजन तैयार करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। आज हम एक पेरिनियल क्लाइंबर की बात करेंगे, जिसको पोथोस या मनी प्लांट के नाम से हम जानते हैं। ये सिंपल, इसका पत्र सिंपल होता है, मार्जिन जो है इसके प्लेन है, कोई ऐसा इसमें नहीं है, और ये लीव्स जो है इसके ऊपर से चिकने होते हैं। इसका स्टेम सॉफ्ट होता है। इसको हम एपिप्रेमनम ओरियम के नाम से जानते हैं, जो कि एरेसी कुल का है। एरेसी कुल के जितने भी प्लांट हैं, मोनोकोटिलेडोनस नेचर के होते हैं, और इनमें स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जो कि स्पेथ से कवर्ड होता है। इसका प्रोपेगेशन हम इस स्टेम कटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत साधारण तरीके से ये स्टेम कटिंग से हो जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन, फिनोलिक कंपाउंड्स, फ्लेवोनाइड आदि पाए जाते हैं। इसका जो सरफेस है, इसके ऊपर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा सेल पाई जाती हैं, ये अर्बन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को क्योर, अर्बन पोल्यूशन जो होता है प्रोमिनेंटली, उसके लिए उसमें बेंजीन का, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड का, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, ये गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्बन एरियाज में बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। आजकल कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो हम यूज़ करते हैं, वो भी इन गैसेस का उत्सर्जन करते हैं। तो घर में एक हेल्दी एयर के लिए इस प्लांट का होना बेहद ज़रूरी है। यह स्टोमेटा के माध्यम से इन हानिकारक गैसों का अवशोषण कर लेते हैं और घर की एयर को प्यूरीफाई करते हैं। शायद इसीलिए इसका नाम मनी प्लांट भी कहा गया होगा। अब हम ये देखें कि इसके जो प्लांट पार्ट हैं, फ्रेश और रॉ फॉर्म में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और एंथ्राक्विनोन पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करने से पेट में क्रैम्प, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं। तो नई रिसर्चेस के माध्यम से, शोधन के बाद, इथेनोलिक एक्सट्रैक्ट जो इसका है, उसकी एंटी माइक्रोबियल, एंटी मलेरियल, एंटी आर्थराइटिक, एंटी फंगल एक्टिविटीज़ पाई गई हैं, और एंटी कैंसरस एक्टिविटीज़ खास तौर से अभी रिसर्च में पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर में जो रिसर्च किया गया था, सेल लाइन T47D जो कि कैंसर सेल्स हैं, उसके अगेंस्ट इसके इथेनोलिक एक्सट्रैक्ट ने एक्टिविटी शो की है। और इस प्लांट का घर के वातावरण के लिए एंटी टर्माइट पोटेंशियल भी इसमें पाया गया। इंडियन टर्माइट ओडोन्टोटर्म्स, इसके अगेंस्ट भी इसकी एक्टिविटी है, जो कि विशेष रूप से प्लांट के संरक्षण में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम डिकॉक्शन बना के इंडियन टर्माइट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, यह बहुत सेफ है। इस तरह से हम देखें तो ये प्लांट ना केवल वायु के प्यूरिफिकेशन में, सॉइल के रेमिडिएशन में, कैसे यह हैवी मेटल्स और रेडियो न्यूक्लियर मटेरियल, सीजियम-137, कोबाल्ट-160, इसका भी अवशोषण कर लेता है। औषधीय गुण के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो इसको ऑर्गेनिकली गमलों में कल्टीवेट कीजिए, क्योंकि सॉइल से हैवी मेटल्स को ये मेटाबोलाइट के अंदर
कॉम्प्लेक्स बना के हानिकारक इफेक्ट भी दे सकता है। और ध्यान ये रखना है, रॉ फॉर्म में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसका शोधन के बाद और मदर टिंक्चर के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लेटेस्ट रिसर्चेज अभी इसके ऊपर हो रही हैं। एंटी कैंसर से इसका पोटेंशियल पाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्लांट का घर में आप संरक्षण कीजिए, इसको रखिए, और अपने घर के अंदर जो वायु है उसका स्वच्छता में अपना योगदान ये देता है। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। आपका धन्यवाद, प्रणाम।